मेरा नाम इश्तियाक है और ये है कंसोलटेक। आज का टॉपिक हमारा एक्सपो 360 रेड लाइट के ऊपर है। एक्सपो 360 लेटेस्ट मॉडल ई स्लिम, इसमें चेक करते हैं क्या मसला कस्टमर ने मुझे दिया है। लगाया इसको, पावर ऑन करते हैं, ग्रीन लाइट आ रही है और ये रेड लाइट आ गई है। इसको दोबारा बंद करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं और इस तरह ये इसमें भी रेड लाइट आती है। तो इसको आप अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं और इसको मदरबोर्ड से चेक करते हैं इसमें क्या मसला आ रहा है। तो आए देखते हैं इसको क्या मसला है। सिस्टम मेरे पास आ गया है और इसको हम एच डी में लगाते हैं, पावर लगाते हैं, इसको फ्रंट पैन लगा के इसको ऑन करते हैं दोबारा। हम इसका सेकेंडरी एरर कोड चेक करते हैं। हम इसका सिंक का बटन दबाएंगे, होल्ड रखेंगे और एजेक्ट का बटन दबाएंगे वन टाइम, ज़ीरो ज़ीरो थ्री थ्री, ज़ीरो ज़ीरो थ्री थ्री हमारा सेकेंडरी एरर कोड होगा, ज़ीरो ज़ीरो थ्री थ्री। बेसिकली ये रेड लाइट के ऊपर है और इसका जो सेकेंडरी एरर कोड है वो ज़ीरो ज़ीरो थ्री थ्री है। तो इसको हम चेक करते हैं। बेसिकली हमारे जो है सीपीयू की सप्लाई डिस्टर्ब है, तो इसमें हमें सबसे पहले ये वाला एरिया हमें चेक करना होगा जिसमें जीपीयू एपीयू की सप्लाई जा रही है, ये हमारी रैमो की पावर सप्लाई है, इसके पीएफ चेक करेंगे और ये हम फर्दर चेक करेंगे। मल्टीमीटर पे हम आएंगे और सबसे पहले हम मल्टीमीटर पे इन पीएफ के ऊपर हम इसका चेक करेंगे कि कितने ओम्स बता रहा है। ठीक है, इस वाले एरिया पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कितने शो कर रहा है। यहाँ पर 180 ओम्स आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये 16 वोल्ट वाले जो कैपेसिटर हैं उन पे चेक करेंगे, 1K ओके, 4 मैग ये एरिया भी हमारा ये ओके है। यहाँ पर तकरीबन 180 ओम्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी ये देखिए वेरिएशन जो है ना हमारी काफ़ी ज़्यादा है। दोबारा मैं चेक करवाता हूँ आपको, ये देखिए हमने लगाया, इसके कंटिन्यूटी चेक किए, ओम्स चेक किए और ये 180 ओम्स के करीब है। तो इस वाले एरिया में यूएसबी के पास जो कैपेसिटर है इसको हम रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसी का मसला है। ठीक है, कैपेसिटर उतर गया है और दोबारा हम इसको चेक करेंगे कि ये इसकी वैल्यू क्या बता रहा है।
यहाँ पर तो इसकी वैल्यू ठीक आ रही है, हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई पर जाएंगे और इसके ऊपर मेंशन है 2.5 वोल्ट, हम 2.2 वोल्ट करेंगे और नेगेटिव पे नेगेटिव लगाएंगे और पॉजिटिव पे लगाएंगे, हम देखेंगे हमारा कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। ये देखो ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, वैल्यू बिल्कुल सही बता रहा है। अब ये चार्ज करने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे, ये देखें ये बिल्कुल शॉर्ट बोल रहा है, इसमें बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं शो हो रही। तो फिर इसको आप मैं चेक करता हूँ, उनको ये 0.0 बता रहा है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसके अंदर इस कैपेसिटर की जो वेरिएशन स्टेबल नहीं है, तो हम ये कैपेसिटर उतार के दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। ये कैपेसिटर हम इसके ऊपर इसको साइड पे कर देंगे और एक हम नया कैपेसिटर लेंगे। किसी भी डोनर मदरबोर्ड से आप कैपेसिटर ले सकते हैं सेम वैल्यू का। हमारा कैपेसिटर लग गया है, अब हम इसको चेक करेंगे आया हमारा, हम सोर्स की तरफ जाएंगे, और इसको हम ऑन करेंगे। Good, it's working fine. Xbox 360 is slim. Xbox 360 is slim. और जिसका सेकेंडरी एरर कोड 0033 था वो हमने आपके सामने फिक्स किया है। तो हमारी वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मैं फर्दर वीडियो आपकी नेक्स्ट बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।